टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 3 एथलीट्स का सफ़र तमाम हो गया। ख्वातीन की 200 मीटर दौड़ में नजमा परवीन हीट्स में आखिरी नंबर पर रहीं, जबकि पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर भी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के इवेंट में मेडल राउंड तक ना पहुंच सके। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीदवार अरशद नदीम बुध को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन की 200 मीटर दौड़ की ही नजमा परवीन दीगर 7 एथलीट के साथ ट्रैक पर रेस शुरू हुई। जमैका की शैलेन ने सबसे पहले 22.22 सेकंड में रेस मुकम्मल की। पाकिस्तान की नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रही, उन्होंने 200 मीटर का फासला 28.12 सेकंड में तय। दूसरी जानब शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफायर के दूसरे स्टेज में पाकिस्तानी शूटर गुलाम बशीर और खलील अख्तर बेहतर निशानेबाजी ना कर सके और टाइटल की दौड़ से बाहर हो गए। पहले दिन 293 स्कोर करने वाले जीएम बशीर ने दूसरे दिन 286 स्कोर किया। दो स्टेज में मजमुई तौर पर उन्होंने 569 पॉइंट हासिल किए। शूटर खलील अख्तर ने इस कैटेगरी में 572 पॉइंट हासिल किए। यूं टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के 10 में से 9 एथलीट नाकाम हो गए। आखिरी एथलीट अरशद नदीम 4 अगस्त को जैवलिन थ्रो में एक्शन में होंगे।